कड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की रतलाम पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद को लेकर झूठा बताते हुए उज्जैन के कड़ी सेना के अध्यक्ष ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन के श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा शुक्रवार को उज्जैन आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। यहां जिलाध्यक्ष जयराज सिंह लखाहेड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे और एडीजी के नाम से आवेदन दिया। दरअसल यहां कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह के खिलाफ रतलाम जिले में झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राजपूत कर्णी सेना सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि विगत दिनों रतलाम में चूंकि मलारगढ़ में एक जहरीली शराब कांड हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, उस केस में जब प्रशासन द्वारा निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा था तो माननीय कर्णी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर, उन्होंने उस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की थी कि प्रशासन किसी भी निर्दोष को परेशान न करे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उस पोस्ट के बाद रतलाम SP गौरव तिवारी जी, जो जीवन सिंह जी से पर्सनल द्वेषता रखते हैं, राजपूत समाज से द्वेषता रखते हैं, उन्होंने उनके ऊपर जावरा से एक मोइन खान करके कोई व्यक्ति जिसको 4 दिन उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, 4 दिन पश्चात उसकी एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी और उसकी को बयान को आधार मानकर, दबाव पूर्वक दिलाया गया बयान को आधार मानकर जीवन सिंह जी के ऊपर एक प्रकरण दर्ज कर दिया शराब फैक्ट्री संचालन करने का, जिसका श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना पुरजोर तरीके से विरोध करती है।